सबसे बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है इंसान होने की पहली पहचान, यही है, यही है जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन। अनपढ़ से धन ये है बांटने का गरीब जतन, एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। अब तक आपने देखा कि मंडेसर गांव में साक्षरता अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब बूढ़ी चाची खुश है क्योंकि अब वो साक्षर बनकर अपने शहीद फौजी बेटे के खत को पढ़ सकेगी। इसी तरह गांव के लोग गिनती और हिसाब सीखकर अपने कारोबार में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। उधर अखिल, विनय और नितिन गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए कोई चाल सोचते हैं। गांव का निरक्षर व्यक्ति बनारसी दास अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख बैठा था, लेकिन शहर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका भाई उससे ही मुंह मोड़ लेता है। राघव प्रिंसिपल मैडम से पूछता है कि शिक्षा का ये कैसा रूप है जिसने भाई को भाई से अलग कर दिया। मैडम बनारसी दास से पूछती है तो असल बात पता चलती है। बनारसी दास खुद अशिक्षित और नए जमाने की हवा से नावाकिफ था, इसलिए वो गलत संगत में पड़ चुके अपने भाई पर काबू न रख सका। नितिन, अखिल और विनय एक देवी की मूर्ति जमीन में गाड़ते हैं। नितिन ढोंग करता है कि वो पिछले जन्म में इसी गांव में स्थित देवी माँ के मंदिर का पुजारी था। अब आगे नितिन समझ जा, गांव वाले आ रहे हेमू के साथ। तुझे सब याद है ना जो हेमू ने बताया था? हाँ हाँ मुझे सब याद है। गेंदे के फूल जिसके हाथ में है उसका नाम है जीवनदास, और जिसके हाथ में लाठी है उसका नाम होगा रघुवीर। मुझे सब याद है। क्यों रे जीवनदास, तू तो सारे गांव को ही लेकर पहुंच गया, पर मैं तो खुद ही आने वाला था गांव में। अरे ये तो मेरा नाम भी जानता भाइयों। नाम कैसे नहीं जानूंगा, तू तो मेरा पक्का मित्र था ना। और क्यों रे रघुवीर, तू लाठी लेकर के मेरी पिटाई करने आया है? याद है जब मैं पुजारी देवराज था तो देवी माँ का प्रसाद सबसे पहले तुझे ही देता था, तो फिर भी लाठी लेकर आया है? अरे भाइयों ये तो देवराज जी हैं, देवराज पुजारी अपने ही गांव के हैं भाई। अच्छा अच्छा तो तुम लोग मुझे परखने आए हो। अरे मैं वो ही हूँ पुजारी देवराज, मेरी काया बदल गई, जन्मों की यात्रा ने मेरा शरीर बदल दिया, लेकिन मेरी आत्मा तो वही है ना। तुम सबका अपना ही हूँ, पर तुम लोग मेरे ना हो सके। तुम लोगों ने मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मेरा बेटा लेखराज बीमारी में तड़प तड़प के मर गया, पर तुम लोगों से कुछ ना हुआ। पर उसकी बीमारी तो बहुत खतरनाक थी। और तेरी उस हृदय की बीमारी क्या कम खतरनाक थी, जिसके इलाज के लिए तू शहर तक जाता था? क्या लगती थी वो तेरी, क्या लगती थी, बताऊं क्या सबको अभी? नहीं नहीं महाराज, हमें बख्शो, हमने मान लिया कि आप ही पुजारी देवराज हो। सामने आ गए तो हाथ जोड़ने लगे, पर तुम लोगों ने जो मेरे बेटे के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। और बेटा ही क्या, तुम तो मेरे पोते के साथ भी वही सलूक कर रहे हो। बेचारा दिन रात गाँव की गाय भैंसों को चराता है, तब जाके मिलती है उसे दो वक्त की रोटी। हमें माफ कर दो बाबा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पर तुम्हें याद कैसे आया कि पहले जन्म में तुम यहीं रहते थे? जीवनदास, जब से मैं इस जगह पर आया हूँ मुझे हर दम बेचैनी सी लगी रही। न जाने क्यों मुझे लगा कि मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ, पर कुछ याद ही नहीं आया। तभी कल रात माँ शंगेरी मेरे सपने में आई, मैं उनके दर्शन पाकर गदगद हो गया। माँ मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली,
देवराज तू अपने स्थान पर वापस लौट आया है पुत्र। यहाँ के लोग मुझे भूलने लगे हैं और ना ही मेरा मंदिर यहाँ पे रहा और ना मेरा नाम गांव वालों के मन में। तू अब फिर से प्रयत्न कर जिससे कि मेरा नाम हो और इस गांव में मेरा प्रताप हो। इस जन्म में मैंने नया चोला पहना है। इस जन्म में मेरा नाम नितिन है। इस जन्म में मैं शहर में रहता हूँ, पर बहुत ही जल्द मैं यहाँ आकर बस जाऊंगा अपनी माँ श्रृंगेरी के पवित्र स्थान पर। क्या सच में देवी माँ तुम्हें सपने में आई थी? माँ दर्शन देकर लोप हूँ तो मेरी नींद खुल गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी मैं अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ आ गया। हाँ महाराज, मुझे याद आया, आप सुबह अक्सर यहाँ टहलने आया करते थे। हाँ तो पंडित देवराज, अब ये बताओ कि हम माँ श्रृंगेरी के लिए क्या कर सकते हैं? माँ के मंदिर की फिर से स्थापना करनी होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको माँ के दर्शन होंगे दोबारा। माँ के दर्शन तो होंगे, पर किस रूप में ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब पुजारी जी? माँ को तुमने भुला दिया, माँ तुमसे रूठ गई है। उन्होंने कभी भी तुम्हें दर्शन ना देने का प्रण किया था, पर कल रात सपने में मैंने तुम सब की तरफ से उनसे माफी मांगी तो माँ का दिल पसीज गया। अब वो यहाँ वास तो करेंगी पर उस रूप में नहीं। तो किस रूप में? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर माँ अपने नए रूप में यहाँ आ चुकी हैं। आ चुकी हैं? पर कहाँ? यहीं कहीं जमीन के नीचे वास कर रही हैं। पिछले जन्म में मैं सुबह के वक्त जिस जगह बैठ कर माँ की स्तुति किया करता था, बस माँ वहीं कहीं जमीन के नीचे विराजमान है। खुदाई करने से पहले तुम्हें एक प्रण करना होगा। तुम वहाँ मंदिर का निर्माण करोगे और उसमें अपना पूरा सहयोग दोगे। अवश्य पुजारी जी, मंदिर का तो निर्माण होगा। अब आप आ गए हैं तो अपनी गद्दी पर विराजिए महाराज। नहीं, अभी मैं पुजारी का पद नहीं संभालूंगा। मगर क्यों? अभी मुझ पर इस जन्म की जिम्मेवारियां भी तो हैं। इस जन्म में मैं किसी परिवार का बेटा हूँ। जब तक मैं इस जन्म की जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं पुजारी का पद नहीं संभालूंगा। तो कौन बनेगा पुजारी जी? मेरा पोता हेमराज बनेगा पुजारी। मंदिर निर्माण का सारा धन, उसके बाद मंदिर का चढ़ावा आदि सब वही संभालेगा। चलो भाइयों चलते हैं, जमीन की खुदाई कर माँ की मूर्ति प्राप्त कर उसे प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन देवी माँ की इच्छा है कि खुदाई उसी वक्त शुरू करी जाए जिस वक्त मैं माँ की स्तुति किया करता था। माँ की स्तुति तो आप सुबह 6 बजे करते थे। तो कल उसी वक्त खुदाई शुरू करना। अब तुम लोग जाओ। हाँ तो भाइयों चले। पुजारी जी, आपके जलपान की व्यवस्था की जाए। अरे भाई, इस वक्त मैं पुजारी होने के साथ साथ स्कूल का एक छात्र भी तो हूँ, मुझे वो जिम्मेदारियां भी तो निभाने दो। अच्छा, 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 अच्छा। अरे यार, इन्हें अभी जमीन खोदने देना। तू तो है ही इडियट, अभी थोड़ी ही देर में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रिंसिपल मैम हमें ढूंढते ढूंढते यहीं आ धमकेंगी। वैसे यार, तेरा प्लान जरूर कामयाब होगा, पैसे आएंगे। अच्छा, उस हेमू ने तो अपना हिस्सा तय कर लिया है ना? अरे हाँ हाँ, सब बात तय हो चुकी है। पर यार आगे क्या होगा? तू क्या शहर छोड़कर गांव में आ बसेगा? अरे तब भी तब देखा जाएगा, अभी तो माल मिले पहले। हाँ यार, शुरुआत तो ठीक हुई ना, अंजाम का देखा जाएगा बाद में। पर अगर अंजाम की कोई पहले ही सोच ले तो बुरे काम की तो शुरुआत ही ना हो। अब ये तो आपकी अपनी सोच की बात है, हो सकता है सारी बात ठीक ही हो। मैं क्या कहूँ मुखिया जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या सच है और क्या झूठ, पर गांव वाले तो इसे सच ही मानते हैं, उन पर श्रृंगेरी माता की धुन सवार है। मुखिया जी, क्या गाँव में सचमुच श्रृंगेरी माता का मंदिर था? मंदिर तो था बहन जी। मैंने उन लड़कों से बात की थी। तो क्या कहे वो? वो लड़का कह रहा था कि उसने सपने में देखा है कि उसका दोबारा जन्म हुआ है, पिछले जन्म में वो इस गांव का पुजारी था। बहन जी, क्या दोबारा का जन्म होता है?
इस बारे में कई अध्ययन हुए हैं, पर एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया में इस बात को लेकर अलग अलग विचार हैं, पर इस वक्त समस्या ये है कि जो घटना घटी है वो सच्ची भी है या नहीं। तो इस बात का पता कैसे चले? गांव के लोग तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मन के भोले ये लोग विश्वास के बड़े मजबूत होते हैं। एक बार कोई बात मन में ठान लेते हैं तो फिर उसे बदलने या जांचने की बात नहीं करते। फिर भी सच्चाई तो एक दिन सामने आ ही जाएगी। मगर बहन जी, इस बात की सच्चाई के बारे में पता कैसे चलेगा? हमें इस सारी घटना पर बड़ी तेज निगाह रखनी पड़ेगी, एक एक बात पर गौर करना पड़ेगा, और अगर इसमें कोई झूठ है या साजिश है तो पर्दा जरूर हटना चाहिए। इसके साथ ही अंधविश्वास का पर्दा भी हट जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो हमारे इस ज्ञानदान कार्यक्रम की एक बड़ी कामयाबी होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं बहन जी। अच्छा अब चलते हैं, शाम को क्लास में भेंट। अच्छा देखिए, जब आप लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो आप लोग अक्सर अंदाज या अनुमान से काम करते हैं, और अंदाज या अनुमान हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता। पक्की बात मालूम ना होने पे कई बार नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों ने भी ऐसे अंदाज या अनुमान कई बार लगाए होंगे? हाँ भैया, लगाए हैं, बहुत बार लगाए हैं। कब लगाए थे? अरे मैं बताता हूँ, हमारे गांव के बाहर एक पक्की सड़क है और दोपहर बाद वहां से एक ही बस शहर जाती है। अब मुझे जाना था शहर, बहुत जरूरी काम था, सो भैया मैं बस पकड़ने के लिए उस सड़क पर पहुंचा। हमने बस को हाथ दिया, बस जो रुक गई, हम बस में चढ़ गए। अब भैया मुझे क्या पता था वो बस शहर नहीं जा रही है, बल्कि उसमें मौज मस्ती करते कुछ लोग थे, बारात थी पूरी की पूरी। उन्होंने रोक ली बस और मुझे अंदर बस में चढ़ा लिया। अब भैया मुझे जो परेशानी हुई है वो मेरा भगवान ही जानता है। अब मैं शहर बैठ तो कोई ना जा सका, उन बरातियों के साथ उनके ढोल पे मुझे अलग नाचना पड़ा। बताओ मुखिया जी, मेरी ये उम्र नाचने गाने की है क्या है? ये बात हंसने की नहीं, सोचने की है, क्योंकि अगर ये भाई जी पढ़े लिखे होते तो हमेशा की तरह बस रुकवाने से पहले ये उसके आगे लिखे एक गांव और शहर के नाम को पढ़ते। मतलब ये कि इन्हें पता होता कि ये बस कहां जा रही है। किसी तरह अगर आपको कभी किसी पते पर पहुंचना हो या कभी किसी स्टेशन पर उतरना हो तो आप खुद पढ़कर जान सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत महत्व होता है, और ये बातें आती हैं साक्षर बनने से, अक्षरों की पहचान करने से। हाँ बेटा, हमारे गांव में कई फेरी वाले आते रहते हैं, वो सामान हमें ये कहकर बेच जाते हैं कि ये फला फला कंपनी का सामान है, ये देखो इसके नीचे फला कंपनी का नाम लिखा है। बस हम अनपढ़ गवार पढ़ तो सकते नहीं। इसी तरह एक बार हमने नमक खरीद लिया, कंपनी का नमक बताया था उसने, पर जब घर आकर नमक को चखा तो देखा कि नमक में और तो सब कुछ था पर वो नमकीन ही नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ लिख सके तो आप पैकेट और थैली की चीजों को पढ़कर खरीद सकते हैं, जैसे कि ये कब बनी है, इनका वजन कितना है और इनका मूल्य क्या है। ठीक कहा बेटा तुमने। और एक बात जो मैंने देखी वो ये कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो रुपए पैसे की पहचान भी अंदाज से करते हैं। बेटा हम तो बनावट और आकार देखकर ही अब तक सिक्कों की पहचान करते थे। शुरू में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि दो का सिक्का बड़ा होता था और एक का सिक्का छोटा। बाद में दो का सिक्का भी छोटा आ गया। हमने कई बार एक की जगह दो का सिक्का दे दिया दुकानदार को। पर अब तो आप लोगों ने गिनती सीख ली है, 1 2 3 4 की पहचान हो गई है आप लोगों को। अब तो आप सिक्के पे लिखी गिनती पढ़ के सिक्के को पहचान सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। इधर आइए, पहचानिए। इसे पहचानिए,
भैया ये एक का सिक्का है। ये दो का सिक्का। शाबाश। अब इसकी बनावट से नहीं, इसे पढ़ के पहचानिए। भैया ये क्या लिखा है भा? ये भारत लिखा है। ताकि ये पता चल सके कि ये सिक्का भारत का है, और यहाँ ये सन लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि ये सिक्का कब बना था। पर बेटा ये सब लिखने का फायदा? मुखिया जी, इन सब बातों का महत्व आज से ज्यादा आने वाले समय में होता है, क्योंकि यही सिक्के आगे चलकर हमारा इतिहास बन जाते हैं। कुछ समझे नहीं बेटा हम। देखिए मुखिया जी, कुछ समय के बाद युग बदल जाते हैं, पुरानी सभ्यता की जगह नई सभ्यता आती है, और कई बार ये सब होता है धरती पे होने वाली उथल पुथल से। भयंकर बाढ़ आ जाती है, भूचाल आते हैं जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर धरती में दब जाते हैं, और फिर कई वर्षों के बाद एक नए युग का आरंभ होता है। मनुष्य फिर से ज्ञान की प्राप्ति करके आगे बढ़ने लगता है। तब कई बार धरती की खुदाई में दबे हुए शहरों या गांव के हिस्से मिलते हैं। अब अगर आने वाले किसी युग में ऐसी ही किसी खुदाई के दौरान ये सिक्का प्राप्त हो, तो वो लोग इसे पढ़ के जान जाएंगे कि ये सिक्का भारत का था और इतने काल में बना था, और इसी के जरिए वो इतिहास की नई खोजबीन भी शुरू कर सकते हैं। पर वो सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी तो पढ़ सकेंगे ना। भाई पढ़ाई लिखाई तो हर युग में जरूरी है। वाह बेटा, आज तो तुमने बड़े काम की बात बताई। अब चलो भी मुखिया जी, सुबह जल्दी नहीं उठना क्या? क्यों, जल्दी क्यों उठना है? भूल गए क्या सुबह माँ की मूर्ति की खुदाई के लिए जाना नहीं क्या? और हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार। नहीं बनता, मूर्ति किसके पास रहेगी? अरे ये है ना अपना हेमराज, इसी के पास रहेगी। नहीं, ये मूर्ति मुखिया जी के पास रहेगी। लीजिए मुखिया जी, ये गांव की अमानत आप अपने पास रखिए। ला। अगर आने वाले किसी युग में ऐसी ही किसी खुदाई के दौरान ये सिक्का प्राप्त हो, तो वो लोग इसे पढ़ के जान जाएंगे कि ये सिक्का भारतवर्ष का है
और इतने काल में बना था, और इसके जरिए वो इतिहास की नई खोजबीन भी शुरू कर सकते हैं। का तो नहीं लिखा, तो लिखा तो कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं जाता। ठीक है, कल सुबह बहन जी से पूछूंगा। जय आओ बेटी आओ बैठो। अरे तुम तो कपड़े पर कुछ कढ़ाई कर रही हो, दिखाओ तो जरा। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं आती कढ़ाई करनी। नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, पर दिखाओ तो जरा। अब बेटी कहाँ सीखेंगे इस उम्र में। ना चाची, पढ़ने लिखने और सीखने समझने की भी भला कोई उम्र होती है, पर तुम दिखाओ तो जरा। अरे किसकी है ये ओढ़नी। वो मेरा देवर है ना, वो अपनी बहुरिया का गौना करवा के लाने वालों है। अच्छा। तो मैंने सोचा उसकी ओढ़नी पर कुछ फूल पत्ती काट दूं। अब शौक तो बहुत है मुझे, पर कढ़ाई कभी सीखी नहीं मैंने। दिखाओ तो जरा। देखो चाची, मैं तुम्हें एक नमूना सिखाती हूँ, तुम में लगन है, तुम जल्दी सीख जाओगी। बहुत मुश्किल काम है बेटा, मैं नहीं सीख पाऊंगी। मुश्किल कैसी चाची, ये देखो यहाँ से सुई डालो और यहाँ से निकालो ये, और फिर यहाँ से डालो और यहाँ से निकालो, बस। देखा, अब तुम कढ़ाई करो इसी तरह, लो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। लाओ मैं सिखाती हूँ, इसको पकड़ो। हाँ, अब इसको सुई को यहाँ से डालो चाची। हाँ डालो, अब यहाँ से निकालो, निकालो बस ये। अब इसको यहाँ से डालो, हाँ डालो, अब यहाँ से निकालो। अरे वाह चाची, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गई। मैं ना पेंसिल से इस कपड़े पर कढ़ाई का एक नमूना बना देती हूँ, फिर तुम खुद ही काटती रहना। वो क्या है ना चाची, मुझे शालिनी को लेकर पारो के यहाँ जाना है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा चाची। सच, तुम बच्चों ने कपड़ों पर ही नहीं, तुमने तो हमारी जिंदगी में भी फूल खिला दिए हैं, हुनर के, ज्ञान के। अरे आओ बहना आओ। अरे वाह, गुड़िया रानी की तो पेट पूजा हो रही है। देखो तुम्हारे कहने से मैंने इसे अच्छी तरह से नहलाया है। अच्छा किया ना, बच्चों की साफ सफाई से तो हम उन्हें कई बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा तो तुम इसे मसला हुआ केला खिला रही हो। हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन जी ने उस दिन यही तो बताया था हम औरतों को। हाँ ठीक ही तो कहा था उन्होंने, जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाए तो उसे दूध के साथ ऊपर से हल्का भोजन भी देना चाहिए, ये उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये भी तो मटके को अच्छी तरह धोकर पानी भरा है उसमें और उसे ढक कर रख दिया। सच, ऐसा करने से पानी का स्वाद ही बदल गया। वाह, तो फिर ये पानी हम भी पीकर देखते हैं। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठहरो, नहीं पारो दीदी आप बैठो, हम खुद पानी भर लाते हैं। शालिनी तुम जरा पानी ला दोगी। हाँ दीदी, घर में अगर साफ सफाई रखी जाए तो खुशहाली अपने आप आ जाती है, और घर अच्छा भी तो लगता है, पर हमने कभी इस बात को जाना ही नहीं। तो अब जान लो और हमेशा के लिए याद रखो, पढ़ो लिखो साक्षर बनो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी बिटिया को सबसे पहले स्कूल भेजूंगी। अरे ये शालिनी तो वहां जाके बैठ ही गई, ठहरो मैं देखती हूँ। बहन जी, बहन जी। अरे मुखिया जी,
बहन जी जरा ये मूर्ति तो देखिए। इतने घबराए हुए क्यों हैं? पहले बैठिए। नहीं ये क्या है मूर्ति? देखिए ये हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट। टॉय कंपनी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1999। ये तो कोई खिलौना बनाने वाली कंपनी का नाम है और ये लिखा है कि 1999 में बनी है ये मूर्ति। पिछले साल? हाँ बहन जी, क्या देवी माँ ने अपनी ये मूर्ति खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में समा लाई है? अब यही तो देखना है मुखिया जी। लाइए देखिए।